हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ NPCI की तरफ से। दोस्तों वास्तव में जब मैं ये नोटिफिकेशन देखा तो मैंने सोचा ये कैसे नोटिफिकेशन निकाला इन्होंने, बिल्कुल है तो गवर्नमेंट जॉब। जैसे कि आपको पता ही होगा NPCI है क्या, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जितने भी आपके UPI हैं, चाहे भीम पे हो गया, कोई भी हो गया आपका, जितने भी UPI हैं इंडिया में वो इसी कंपनी के अंडर में आते हैं सारे। ये गवर्नमेंट 100% गवर्नमेंट कंपनी है, तो उसमें तो आपको कोई डाउट करना ही नहीं है। लेकिन इसका जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वो बिल्कुल प्राइवेट की तरह हो रहा है। जैसे कि आपका Naukri.com से अप्लाई करवाते हैं, वैकेंसीज में सारी ब्रांचेस एलिजिबल हैं, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ क्या होने वाला है। मुझे तो ये डर लग रहा है कहीं आगे और आने वाली जो जनरेशन है उसमें कहीं ऐसे ही रिक्रूटमेंट ना करवाया जाए। पूरा डिटेल में देखना, देखो जिस किसी को इसमें इंटरेस्टेड है वो भी देखना, जिसको नहीं है वो भी देखना, ठीक है। तो सब कोई देखना, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस है गवर्नमेंट PSU, लेकिन अजीब ही तरीके का कर बना रखा है इन्होंने। तो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ लिख रखा है, मैंने GET की पोस्ट पर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की, सारी ब्रांचेज एलिजिबल हैं और जो कोई भी है सब एलिजिबल है। अभी मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, नोटिफिकेशन भी नहीं आउट हुआ है इनका। एस जैसे नोट प्राइवेट कंपनीज में निकलता है वैसे ही इनका निकला हुआ है। मैं पूरा दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा गूगल पर चलते हैं और NPCI डालते हैं। वैसे सब किसी को पता ही होगा NPCI है क्या। NPCI देखो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा गवर्नमेंट क्लेम करती है और UPI अंडर करते हैं सारे, जितने भी हैं सारे UPI इसको रेगुलेट करती है ये, और ये RBI के अंडर में डायरेक्ट काम करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पूरा डिटेल में देखो मैं दिखाता हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन खोज के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जॉब वैकेंसी से रिलेटेड और एडमिट कार्ड सब कुछ, जो कोई भी कर सकते हैं हम सब कुछ आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम की लिंक से ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। चलो दोस्तों अब मुद्दे की बात पे आता हूं और आपको दिखाता हूं NPCI का कैसे नोटिफिकेशन आउट हुआ है, ठीक है। आपको रिज्यूमे वगैरह सब कुछ सेंड करना है इसमें, चलो मैं दिखाता हूं आपको। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे गूगल है आपका टोटल जो फ़ोन में, उस पर आपको NPCI टाइप कर देना जैसे मैंने कर रखा है, और वहाँ पे जो पहली लिंक खुलेगी वहाँ पे आप जाना वर्क विद अस में, ठीक है। तो यहाँ वर्क विद अस को जैसे ही क्लिक करोगे आप, मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, तो इनका रिक्रूटमेंट का पेज खुल जाएगा। तो उस रिक्रूटमेंट पेज में मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे आके देखो जॉब ओपनिंग में जैसे यहाँ आओगे ऑल जॉब्स में, तो जॉब पर क्लिक करना। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको जॉब की वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी, दिखाता हूँ मैं आपको ओपन करके पूरा। तो दोस्तों जैसे ही आप ऑल जॉब क्लिक करोगे तो सबसे नीचे स्क्रॉल करते आओगे तो सबसे नीचे आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले नंबर पर यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ये ऑल जॉब्स में ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। तो देखो आपको फ्रेशर से कैंडिडेट से लेकर 2 साल का एक्सपीरियंस जिसके पास हो वो सब इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही प्राइवेट कंपनीज़ का निकलता है, अगर किसी ने Naukri.com वगैरह चला रखी हो तो उसको पता ही होगा। तो ऐसे बता रखा है और नॉट डिस्क्लोज कर रखा है ये जो पेमेंट है, ये गवर्नमेंट जॉब है बिल्कुल। मैं जैसे आपको खोल के दिखाता हूँ पूरा, और पूरा डिटेल में मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या इसमें गिवन है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिख भी रखा है इन्होंने, सैलरी डिस्क्लोज नहीं की गई है, जॉब डिस्क्रिप्शन में इसमें डाल रखा है कि आपका डिजिटल पेमेंट जो भी होंगे, और देखो यहाँ पर रोल में दे रखा है परमानेंट जॉब होने वाली है। मैं ये भी दिखा देता हूँ, ये रहा फुल टाइम एंड परमानेंट जॉब है, और ये आपकी गवर्नमेंट कंपनी ही है तो ये मत मान के चलना कि प्राइवेट कंपनी का, मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। और देखो यहाँ पे इनको या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट में इन्होंने रखा है, इन्होंने क्वालिफिकेशन BE BTech होना चाहिए, बैचलर होना चाहिए 2021 या 2022 का पास आउट। अगर आप 2020 की या 2019 या 2018 के तो आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड। आपके बस इसमें ही होना चाहिए, और 10th में आपके 75% होने चाहिए, 12th में 65 होने चाहिए, BTech के दौरान 60 होने चाहिए, ठीक है। और जॉब लोकेशन आपकी होने वाली है, बेहतरीन जगह होने वाली है, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई और फ्यू अदर लोकेशन है पैन इंडिया, मतलब अक्रॉस इंडिया, तो ये आपकी होनी चाहिए। और स्किल जो रिक्वायर्ड है, देखो इन्होंने लिख तो रखा है कि BTech की कोई भी ब्रांच एलिजिबल है, लेकिन मोस्टली जो आपकी स्किल्स रिक्वायर्ड है वो कंप्यूटर से रिलेटेड ही हैं। जैसे यहाँ देख सकते हो नॉलेज इन OS, एबिलिटी टू डिज़ाइन एंड डेवलप सॉफ्टवेयर, नॉलेज ऑफ डाटा मॉडल Spark SQL, गुड अंडरस्टैंड अबाउट ऑफ मशीन लर्निंग, सारे इसी के बारे में भी कह सकते हो। लेकिन मोस्टली देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेंट मस्ट गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिलो स्किल सेट, ठीक है। तो ये सारी दे रखी है, एल्गोरिथम, जावा, पाइथन, मशीन लर्निंग, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब कुछ आपकी CS से रिलेटेड ही है। बस इन्होंने लिख ही रखा है कि आपका हर ब्रांच एलिजिबल है, अगर कोई और ब्रांच का एलिजिबल होता तो भाई मतलब क्या ही हो जाता। तो इसमें लिख रखा है यहाँ पे वी हैव वेरियस GET पोजिशन अक्रॉस वर्टिकल एट NPCI, द कैंडिडेट शैल बी एलोकेटेड रोल बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस। देखो आपको सिलेक्शन प्रोसीजर भी बता देता हूँ, इंटरव्यू प्रोसेस होने वाला है इसमें, देखो ऑनलाइन टेक्निकल असेसमेंट होगा जिसमें पाइथन, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा स्ट्रक्चर और जावा, ML, SQL, ब्लॉकचेन, ये सब कुछ सब कंप्यूटर से रिलेटेड है। एक्सटर्नल पैनल, टेक्निकल राउंड, NPCI पैनल, और फिर उसके बाद में ये आपका ऑफर रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो सब ब्रांचेज एलिजिबल जरूर हैं, ये गवर्नमेंट कंपनी है, जैसे आप नेट पर भी डाल के देखोगे तो ये गवर्नमेंट कंपनी, और ऐसे करके इसका नोटिफिकेशन डाउन हुआ है, मतलब
ऐसे नोटिफिकेशन निकाला इन्होंने, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कहीं आगे जाके ऐसे ही ना आने लगे। सैलरी अभी डिस्क्लोज नहीं की गई है। इंडस्ट्री फिनटेक पेमेंट बैंक है, आपको पता ही है। फंक्शनल एरिया आ रही है, रोल कैटेगरी आपको पता ही रखा है। एम्प्लॉयमेंट फुल टाइम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे समझ में आता है कि गवर्नमेंट ही है, तो यही है, ये पूरा रिक्रूटमेंट है आपका। आई वॉज रियली शॉक्ड वाइल सीइंग दिस। तो चलो जो भी है, अब आपका ऐसे ही कहीं रिक्रूटमेंट ना होने लगे, आई होप ऐसा ना हो। चलो मिलते हैं किसी अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों मैंने आप सभी लोगों के लिए खोज खोज के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाऊं, जहां भी रहो पढ़ाई जरूर करनी है आपको। ऐसे रिक्रूटमेंट देख के आप विचलित मत हो, ये हो सकता कुछ बच्चे स्टूडेंट इसमें इंटरेस्टेड हों, जिस किसी के पास नॉलेज हो तो आप डाल के देख लेना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं किसी अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जहां भी रहो पढ़ाई करते रहो, सब तक नोटिफिकेशन प्रोवाइड करने का हमारा काम है। आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, इट इज़ फ्री, ठीक है। चलो